नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईस्ट न्यूज पर और मैं आलोक स्टूडियो से। असम के गुवाहाटी से एक बार फिर से सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे गुवाहाटी शहर में अब सनसनी फैल गई है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस खबर के बारे में। असम के गुवाहाटी में फिर से एक बार एक हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। हत्या का ये मामला गुवाहाटी के कालापहाड़ इलाके का बताया जा रहा है। कालापहाड़ के तारा हीरा कॉम्प्लेक्स के भीतर घुसकर कुछ लुटेरों ने इस बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद लुटेरों ने घर में रखे कैश और जवाहरात को भी चुरा लिया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरा को भी नुकसान पहुंचाया है। मृत बुजुर्ग महिला का नाम अनु हजारिका बताया जा रहा है। ये महिला कई वर्षों से अपने अपार्टमेंट में अकेले रह रही थी और इसी का फायदा उठा के बीते कल यानी कि 7 फरवरी को लुटेरों ने महिला की घर में घुसकर हत्या कर डाली है। इस हत्या के बाद बुजुर्ग महिला का शव उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला है। वहीं महिला के हाथ भी इस दौरान बंधे हुए मिले हैं। अब गुवाहाटी पुलिस इस हत्याकांड की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इस मामले से जुड़ी और अधिक जानकारी सामने आ सके। एक बार फिर से आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी में एक और हत्याकांड का मामला सामने आया है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे गुवाहाटी शहर में अब सनसनी फैल गई है। आपको बता दें ये घटना असम के गुवाहाटी के कालापहाड़ इलाके में लूटपाट के मकसद से अंजाम दी गई है, जिस दौरान कुछ लुटेरे घर में घुसे और उन्होंने एक 60 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस दौरान लुटेरों ने घर में रखे कैश और जवाहरात को भी लूट लिया है। आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी के कालापहाड़ के तारा हीरा कॉम्प्लेक्स के भीतर ये घटना बताई जा रही है। वृद्ध महिला बीते 5 वर्षों से इस अपार्टमेंट में अकेले रहती थी और इसी का फायदा उठाते हुए लुटेरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको हम बता दें कि गुवाहाटी में जो हत्या का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी कड़ी में असम के गुवाहाटी के कालापहाड़ इलाके में एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला का हत्या कर दिया गया है। आपको बता दें ये हत्या लूटपाट के मकसद से की गई है। ये महिला अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और इसी का फायदा उठा के जो लुटेरे हैं वो अपार्टमेंट के अंदर गए और उन्होंने CCTV कैमरे को पहले नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद महिला की बेरहमी से हत्या कर दी है। खबरों के मुताबिक गुवाहाटी पुलिस इस हत्याकांड की जो मिस्ट्री है उसे सुलझाने में लगातार कार्य कर रही है और अभी तक फिलहाल कोई भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि गुवाहाटी पुलिस लगातार इस मुद्दे पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है और प्रयास कर रही है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, असम के गुवाहाटी में एक और हत्याकांड का मामला सामने आया है और यह हत्याकांड का मामला असम के गुवाहाटी के कालापहाड़ इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है, बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनके घर में घुसकर, उनके अपार्टमेंट में घुसकर और हत्या करने के बाद जो घर में रखे कैश थे और जवाहरात थे उन्हें लुटेरे लूटकर अपने साथ ले गए हैं। वहीं गुवाहाटी पुलिस इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। CCTV খিনি আমি এক্সামিন কৰি আছো, কিন্তু কি আছে কি অৱস্থাত আছে সেইখিনি এটা মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম। আমি ডেট পাইছোঁ তেখেতৰ বলটো কি অৱস্থাত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছোঁ সেইখিনি আমি দিছোঁ PM-ৰ কাৰণে, গতিকে মই সেইখিনি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম, PM ৰিপৰ্টলৈ ৰখোঁ। আপ ইছ পুৰে খবৰ কো লেকৰ কিয়া সোচতে হে, আপকি জো ভি ৰাই হে আপ কমেণ্ট বক্স মে আয়ে, আপকি ৰাই কো হামাৰে সাথ অৱশ্য শেয়াৰ কৰে। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।